गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे क्लास वर्क इज एक्सरसाइज 15.4, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें रेडियस जो है पार्ट्स में दे रखे हैं, हमने रेडियस की हेल्प से एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज फर्स्ट पार्ट, रेडियस इज इक्वल 21 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमें जो है में नहीं दे रखी है कि आपने कौन सी लेनी है, तो हम सिंपली क्या लेंगे, 22/7। 22/7 इंटू आर की वैल्यू पुट कर देंगे, इट मीन्स 21 का स्क्वायर। तो हमारी यूनिट्स भी क्या स्क्वायर में आ जाएंगी, इट मीन्स हमने उसे कॉमन बाहर निकाली, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर है तो 21 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स। तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 को हमने 7 से हमने 21 को कट कर दी, 7 1 का 7, 7 3 का 21। तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, 66 आ गया इंटू 21 सेंटीमीटर और स्क्वायर। 66 को हमने 21 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ चुका है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने ये फाइंड आउट कर लिया है एरिया ऑफ द सर्कल। सी पार्ट इज, अब सी पार्ट में आपको डायमीटर दे रखा है, रेडियस नहीं दिया है। तो आपको पता है डायमीटर आपका क्या होता है, एक सर्कल है और ये जो कंप्लीट लाइन होती है ये वाली, ये आपकी क्या होती है, डायमीटर। और रेडियस क्या आएगा, डायमीटर अपॉन 2। हाफ से हम जो है डायमीटर का हाफ कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, रेडियस। ये हमारा आ गया अब रेडियस। ठीक है, तो डायमीटर हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस हमने निकालना है तो डायमीटर अपॉन 2, इट मीन 7/2 सेंटीमीटर हमारा आ गया रेडियस। तो एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला लगाया हमने, वैल्यूज पुट कर दी, आर की वैल्यू है हमारी 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने कॉमन ले लिया, 7 से 7 कट गया, 2 से हमने 22 को कट कर दिया तो हमारा आ गया 11 × 7/2 सेंटीमीटर और स्क्वायर। 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 77/2, 2 से हमने 77 को डिवाइड किया तो हमारा आ गया 38.5। तो हमारा आंसर आ चुका है एरिया ऑफ सर्कल का 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सर्कमफ्रेंस ऑफ  12.76 सेंटीमीटर। हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है तो सर्कमफ्रेंस की हेल्प से हम जो है डायमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 12.76 सेंटीमीटर, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। डायमीटर ऑफ ए सर्कल हम डी ले लेंगे। हमें जो है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है, हमें क्या होता है, 2 पाई आर। अब आर हमें, आर किसके इक्वल होता है, डायमीटर अपॉन और 2 डायमीटर का हाफ ऑफ डायमीटर जो हमारा होता है वो रेडियस होता है। तो हम क्या करेंगे, 12.76 सेंटीमीटर 22 है ना पाई की वैल्यू, 22/7 इंटू आर मीन्स आर किसके इक्वल होता है, आर इक्वल टू डी अपॉन 2। तो हम जो है आर की वैल्यू क्या ले लेंगे, डी अपॉन 2, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिनोमिनेटर। तो 2 से हमने 2 को कट कर दिया, तो यहाँ डी के नीचे क्या था, 2 था, तो हमने कट कर दिया तो हमारा आ गया 12.76 अपॉन हमने 100 ले लिया, डेसिमल को हटा दिया, सेंटीमीटर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या रह गया है, 22/7 इंटू डी, 2 से 2 कट हो चुके हैं। अब 22/7 को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 22 जो है डिनोमिनेटर में चले जाएंगे और 7 हमारे न्यूमिनेटर में चले जाएंगे। तो 1276 इंटू 7/100 इंटू 22, फिर हमने इसको 2 से कट किया तो 2 1 का 2 2 1 का 2, हमने इसे भी 2 से कट किया, 2 6 का 12, 2 3 का 6, 1 कैरी, 2 8 का 16, फिर हमने इसे 11 से कट कर दिया, 11 5 का 55, 8 कैरी 88 बन गए, तो 11 8 का 88, तो 58 × 7/100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर डी। अब इस 58 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 406/100 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू 4.06 सेंटीमीटर आंसर।